बाप पुलिस अवैध मादक पदार्थ सप्लायरों के विरुद्ध लगातार एक्शन में है। बीती रात बाप पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ सप्लायरों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध नशीली गोलियां व डोडा पोस्ट बरामद कर चार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राहुल बारहाट ने बताया कि बाप पुलिस ने तकनीकी व मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए 17,500 अवैध नशीली गोलियां, 20 किलोग्राम डोडा पोस्ट चुरा के एक स्कॉडा कार के साथ कुलजीत सिंह उर्फ कुलदीप सिंह, गौतम बलजीत सिंह उर्फ बब्बू तथा साहिल को गिरफ्तार कर लिया। चारों तस्करों के विरुद्ध एनडीपीसी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच जारी है। कल दिनांक 24 तारीख रात्रि को मुखबिर एवं तकनीकी सूत्रों से हमें पता चला कि फलोदी की तरफ से अवैध मादक पदार्थ लेकर के एक कार पंजाब की तरफ जाएगी, जिस पर रात्रि में नाकाबंदी करके और कार के आगे बैरियर लगा करके कार को रुकवाया गया। तलाशी में 20 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट तथा 17,500 नशीली गोलियां बरामद करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। चार मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया है। उक्त कार्रवाई श्रीमान एसपी साहब जोधपुर ग्रामीण राहुल बाट साहब के निर्देशन में चलाए जा रहे मादक पदार्थों के सप्लायरों के विरुद्ध एक अभियान के तहत सुनियोजित तरीके से की गई है और सप्लायरों की तह तक जाने का प्रयास जारी है।